YouTube पे मैंने देखा कि बहुत से लोग इंडिया में टाइफाइड को सर्च करते हैं। टाइफाइड क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए, और सर्च करें भी क्यों ना। हर साल दुनिया में करीब 2 करोड़ लोगों को ये टाइफाइड होता है और जिनमें से 2 लाख के करीब लोग तो मर भी जाते हैं। वैसे मरने का रेट तो कम ही है, पर हाँ, जहाँ यूके और अमेरिका जैसे देश काफ़ी हद तक टाइफाइड मुक्त हो चुके हैं, हमारा भारत अभी भी इस बीमारी से लड़ रहा है और हमारे भारत में ये बीमारी अभी भी काफ़ी आम है। तो आपको टाइफाइड हुआ, आपने डॉक्टर से दी हुई दवाई ली, आप ठीक भी हो गए, लेकिन अगर आपको इस बीमारी के बारे में पहले से पता होता तो आप शायद इससे ज़्यादा अच्छे से निपट सकते थे, है ना। तो इसीलिए आज हम ये बात करेंगे कि टाइफाइड क्या है और ये क्यों होता है। अरे भाई, दोबारा हो गया तो? अगर आपको बहुत तेज बुखार है, भूख लगना बंद हो गया है, सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, शरीर पे रैशेस हो गए हैं, पेट खराब की दिक्कत भी रहती है, तो हाँ, आपको टाइफाइड हो सकता है। लेकिन ये सारे लक्षण होने का मतलब ये नहीं कि आपको टाइफाइड ही है, ये लक्षण किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं। आपको पक्का टाइफाइड है कि नहीं, ये तो आपके लैब में होने वाले टेस्ट जैसे टाइफी डॉट, विडाल टेस्ट, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर के बाद ही पता चलता है। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड, जिसे टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, एक इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया आपके शरीर में आपके मुंह के द्वारा घुसता है, जहाँ से ये आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है। इंटेस्टाइन के द्वारा ये आपके खून में पहुँच जाता है और खून के द्वारा, आपको पता ही है क्या होता है, पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में फैल जाता है। वैसे तो टाइफाइड इतनी जानलेवा नहीं है, कुछ 1-2% लोग ही इस बीमारी के कारण मरते हैं, पर अगर टाइफाइड का सही समय पे इलाज ना हो तो ये आपके शरीर के अलग अलग अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और निमोनिया और किडनी इन्फेक्शन जैसी बीमारी भी पैदा कर सकता है। टाइफाइड बैक्टीरिया के संपर्क में आने के तुरंत बाद ही आपको पता नहीं चलता, इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 1-2 हफ्ते बाद ही शरीर में लक्षण आने शुरू होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टाइफाइड होता कैसे है, भाई मैंने क्या किया, मेरे को क्या हो गया, ये हुआ क्या, टाइफाइड कैसे होता है? तो टाइफाइड उन जगहों में ज्यादा होता है जहाँ साफ सफाई कम होती है, और ये ज्यादातर गंदे पानी और खाने से होता है। जिस व्यक्ति को टाइफाइड होता है उसके खून और स्टूल में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। ये बैक्टीरिया एक आदमी से दूसरे आदमी को फीकल ओरल रूट द्वारा फैलता है, यानी कि कोई टाइफाइड से बीमार व्यक्ति अगर अपने हाथ ठीक से ना धोए शौच के बाद, और किसी तरह वो बैक्टीरिया आप तक पहुंचा दे, और आप भी बिना हाथ धोए खाना खा लें, तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। पानी में ये बैक्टीरिया किसी इन्फेक्टेड आदमी द्वारा ही पहुंचता है और उसमें ये कई हफ्तों तक रह सकता है। इस गंदे पानी को पीने से भी आपको टाइफाइड हो सकता है, और मक्खियाँ, आपको पता ही, वो कहाँ कहाँ से उठ के आती हैं, वो भी हमारे खाने तक इस बैक्टीरिया को ला सकती हैं। आपको पता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कभी टाइफाइड हुआ था, वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन उनके स्टूल में अभी भी ये बैक्टीरिया मौजूद है। ऐसे लोगों को कैरियर कहते हैं, जिनमें खुद तो बीमारी के लक्षण नहीं होते पर ये औरों को बीमार जरूर कर सकते हैं। मैरी मेलन, जिसे टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है, टाइफाइड कैरियर के नाम से प्रसिद्ध थी। वो लोगों के घर में खाना बनाने का काम करती थी, और माना जाता है कि अपने काम के दौरान अमेरिका में उन्होंने 51 लोगों को इन्फेक्ट किया था, जिसमें से 3 लोगों की तो मौत भी हो गई थी। इस बैक्टीरिया को टेस्ट करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि आपको टाइफाइड है कि नहीं, डॉक्टर आपके खून या स्टूल की जांच करता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। टाइफाइड के ट्रीटमेंट में आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयां हैं जो आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। पुराने समय में टाइफाइड से करीब 20% लोग मर जाते थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स के आने के बाद ये रेट 1-2% ही हो गया है, और एंटीबायोटिक्स लेने के कुछ हफ्तों बाद ही टाइफाइड आसानी से ठीक हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि टाइफाइड हो ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, बड़े समझदार हैं आप। वैक्सीन्स, कई और बीमारियों की तरह टाइफाइड की भी वैक्सीन्स मौजूद है, और दूसरे देशों के लोग जैसे अमेरिका के जब इंडिया आते हैं या किसी और देश जहां टाइफाइड ज़्यादा होता है तो वो ये वैक्सीन्स लगाकर आते हैं। टाइफाइड की 2 तरह की वैक्सीन्स होती हैं, पर ये उतनी असरदार नहीं है। 50-80% केसेस में ये अच्छे से काम करती हैं, पर कई बार ये ढंग से काम नहीं भी करती हैं, और कुछ सालों में इनको दोबारा लगवाना पड़ता है। सबसे असरदार चीज़ें जो आपको टाइफाइड से बचाएंगी वो है साफ पानी पीना, साफ खाना खाना, और खाना खाने से पहले
हाथ धोना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।